नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का और इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, अमेरिका ने भारत के लिए दिए पॉजिटिव बयान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की बड़ी पहल, लालू प्रसाद यादव की अचानक तबीयत बिगड़ी, आजम खान की पत्नी और बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी का पाकिस्तान पर निशाना। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका ने भारत के लिए दिए पॉजिटिव बयान, व्हाइट हाउस ने कहा भारत से रिश्ते मजबूत करेगी कमला हैरिसन। अरुणाचल प्रदेश में चीन के नया गांव बसाने को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा अपने क्षेत्र में किया जा रहा है निर्माण कार्य। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 3 केंद्रों पर 6 लोगों से किया वर्चुअल संवाद, देश में चल रहे कोरोना वैक्सीन को लेकर की बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों की तारीफ, बोले वैक्सीन बनाने में लगती है हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की बड़ी पहल, 26 जनवरी को प्रदेश की जेलों से रिहा होंगे 500 बीमार बुजुर्ग कैदी। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की अचानक तबीयत बिगड़ी, जल्द ही दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किए जा सकते हैं लालू प्रसाद। नहीं रहे देश के मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल, कई महीनों से बीमार होने के कारण दिल्ली के अपोलो अस्पताल में थे भर्ती। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 जनवरी से जिलों में करेंगे प्रवास, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड दौरे के दौरान सभी जिलों के मंत्रियों को अपने अपने जिलों में प्रवास करने के दिए थे निर्देश। टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर की तारीफ, कहा अपने फ्यूचर के लिए नहीं देश के फ्यूचर के लिए भी करें काम। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट स्पीड बहाली पर आज होगी समीक्षा बैठक, 5 फरवरी तक जारी रह सकता है प्रतिबंध। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने किसानों को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने जल्दबाजी में तैयार किया 3 कानून। आजम खान की पत्नी और बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में जेल में बंद थे सपा सांसद के बेटे और पत्नी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सम्मेलन में बूथ मजबूत करने की कही बात, बोले बूथ पर जीत ही दिलाएगी चुनाव में जीत। अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी का पाकिस्तान पर निशाना, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी पर रोक लगाने का किया वादा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान फेस मास नाम से वेबसाइट बनाई थी, बाद में इसी का नाम फेसबुक कर दिया गया। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए फरवरी के 3रे हफ्ते में हो सकती है नीलामी, सभी 8 फ्रेंचाइजी के पास खर्च करने के लिए हैं 196.6 करोड़ रुपए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अपने खिलाड़ियों के लिए तय किए नए पैमाने, 8.25 मिनट में तेज गेंदबाज और 8.5 मिनट में बल्लेबाज को 2 किलोमीटर लगानी होगी दौड़। सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी इंडस्ट्री में पूरे किए 13 साल, सिद्धार्थ ने फैंस के साथ सेलिब्रेट किया ये खास मौका। कबीर सिंह फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा के साथ काम करने जा रहे हैं रणबीर कपूर, इस फिल्म में उनके साथ परिणीति चोपड़ा और अनिल कपूर भी आएंगे नजर। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।